हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट 24 करियर मोड। तो भाई लास्ट मैच पर कोई याद होगा 169 पे हम बैटिंग कर रहे थे एंड मैंने वीडियो बंद कर दी थी, बहुत लंबी हो चुकी थी वीडियो, तो भाई वहीं से कंटिन्यू करने वाला है। अच्छा, मैं इस मैच के बाद है ना सब कुछ दिखाने वाला हूँ, सिलेक्शन स्टेटस दिखाऊंगा, मेरे करियर के स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा, ये टूर्नामेंट जो भी चल रहा है इसका ओवरव्यू दिखाऊंगा, मतलब सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, सारी चीज दिखाने वाला हूँ। तो भाई एंड तक बने रहना वीडियो के, वो देखने के लिए जिताना बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड कल मैं सेट था भाई, अब आज भाई साहब ठंड है, वैसे ही ठंड में हाथ ठंडे से पड़े रहते हैं, थोड़ा वार्म अप चाहिए अभी। ओके भाई साहब, चंदा खेल रहे हैं हमारे साथ और उन्होंने एक चौका मारा है भाई, ये थोड़ी नई चीज पता चली हमें कि हमारे साथ जो खेल रहा है वो भी चौके वोके मार लेता है। पर चलो, जो भी यहाँ पे बढ़िया शॉट खेला एक सिंगल के लिए, अभी मात्र भाई 100 रनों की लीड है। तो प्रिडिक्शन करके ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है भाई, क्या हम ये मैच जिता पाएंगे टीम को? क्योंकि बहुत मुश्किल टास्क रहने वाला है वो, क्योंकि एटलीस्ट मुझे मेरे हिसाब से 200-250 रन की लीड देनी होगी टीम को अगर मैच जिताना है तो, जो कि बहुत मुश्किल काम रहने वाला है। तो यार जरूर से प्रिडिक्ट करके तुम बताना कि क्या हम टीम को मैच जिता पाएंगे भाई, मुझे मुश्किल लग रहा है पर देखते हैं। कल तो मेरे को याद है भाई, कल मैं अलग फोड़ने के मूड में था, हर बॉल पे चौका छक्का यही चल रहा था। अब तो सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है, यहाँ पे सिंगल है। ओके तो भाई रेड्डी भाई आए, तो रेड्डी भाई पिटने के लिए रेड्डी हो या नहीं ये बता दो। ना वो विकेट लेने के लिए रेडी है एंड ये कैच ऑफ द मैच हो सकता था अगर ये कंप्लीट होता तो। मुझे पता तक नहीं है कि इस गेम में डाइविंग कैचेस हैं भाई, पर जो भी है बहुत अच्छा प्रयास था लेकिन कैच ना पकड़ पाए। ये चीज मैंने नहीं देखी है गेम में, तो मैं यही उप कर रहा हूँ कि तुमने भी भाई नहीं देखी होगी तो इसलिए वापस रिप्ले दिखा रहा हूँ भाई। शॉट दिखने में अच्छा था लेकिन इतना अच्छा नहीं, बाउंड्री क्लियर कर फील्डर भाई आए एंड डाइव मार के कैच पकड़ने को गए, जो कि नॉर्मली क्रिकेट 24 में दिखता है नहीं, क्रिकेट 22-24 किसी में भी नहीं, लेकिन ये अच्छी चीज लगी भाई डाइव मारने को, एटलीस्ट वो ट्राई तो करे नायडू भाई। वेल पकड़ ना पाई ये अच्छी बात है हमारे लिए, लगता है थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा, थोड़ा खुद को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर मैं आउट हो जाता हूँ तब तो टीम के पास जीतने का कोई चांस है ही नहीं भाई, लिटरली कोई चांस नहीं है। यहाँ पे अच्छा शॉट है, इस पर डबल लेने का प्रयास रहने वाला है, डबल थोड़ा मुश्किल होने वाला है पर मिल जाएगा। 175 पे पहुंच चुके, तो क्या पहली डबल सेंचुरी भी यहाँ पे आने वाली है भाई राजस्थान के लिए खेलते हुए? पहले हो सकता है आ जाए, ऐसे शानदार शॉट को देखते हुए तो यही लग रहा है, बहुत शानदार चौका मारा ये पहला चौका आज का। ओके तो मोदी भाई आए हैं, 8 ओवर में 51 रन खाए, तो भाई इतनी अच्छी इकोनॉमी तो इनकी चल नहीं रही है एंड उसका कारण ऐसे शॉट्स हैं भाई, पहली बॉल आते ही फ्लिक कर दिया, आराम से चौका मिलेगा। मोदी भाई आए, पहली बॉल डाले, हमारा फ्लिक तैयार था भाई चौके के लिए। अब अगर एक गुड लेंथ पे बॉल डालता है ना तो मैं आराम से कट का भी चौका बटोर सकता हूँ, जो कि इसने डाली है भाई गुड लेंथ या फिर उससे छोटी कोई बॉल होती है उस पर आराम से कट शॉट लगता है, कट शॉट कैसे चौके मिलते हैं। तो शायद भाई अब हम अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आ चुके हैं, जिस हिसाब से हम कल खेल रहे थे उस हिसाब से अब खेल रहे हैं भाई शायद। वेल आ रहे यार, ये आराम से चौका था जो कि रन आउट होता होता बचाऊं भाई, आराम से चौका जा रहा पर ये चंदा भाई के पैर पड़ गई। 120 रनों की लीड हो चुकी है, इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अच्छा गैप दिया है मारने को, तो जरूर उसका भाई फायदा उठाने को जाएंगे, ऐसे बढ़िया शॉट्स मारेंगे, लॉफ्टेड मारा फाइनल की दिशा में मिलेगा आराम से चौका। एक बार भी मैंने आगे बढ़ के शॉट नहीं मारा भाई, वो तो मारना देखो बनता है, अच्छा लगता है दिखने में भी, तो क्या मारने को जाए भाई, मारने को गए इतना अच्छा लगा नहीं है, लेकिन आउट नहीं हुए, विकेट बच गया, अच्छी बात है, डबल भी मिल जाएगा खराब फील्डिंग की वजह से। रेड्डी भाई मेरे को बॉलिंग करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं थे भाई साहब, पिटाई हुई है, 6 रन खा चुके हैं ओवर से एंड ये तो बस शुरुआत है रेड्डी भाई, अभी रन और आने हैं, अभी एक चौका और आ गया है। टीम को जिताने की कोशिश में अकेले लड़ते लड़ते भाई जैसे तैसे पहुंच गए 199 पे भाई, एंड 199 के बाद इतना कुछ खास शॉट तो नहीं पर ये शॉट भाई पूरी करवाएगा अपनी पहली राजस्थान के लिए डबल सेंचुरी। 127 गेंदों में भाई 234 चौके और 3 छक्के, 157 का स्ट्राइक रेट। मोदी भाई ने फील्ड बहुत अच्छी लगा रखी है, फील्ड को देख के भी यही लग रहा है कि भाई बाउंसर आने वाली है, देखते हैं क्या शॉट खेलने को जाएंगे। ओके बाउंसर नहीं आई, गुड लेंथ पे डिलीवरी आई, इस पे तैयार नहीं थे अच्छा खासा, लेकिन डबल मिल जाएगा भाई। बाय द वे भाई वैगन विल लेग्स तो मिड विकेट को छोड़ के हर दिशा में रन है भाई, तारीफ करनी पड़ेगी चंदा भाई की, चंदा भाई अपना अच्छे से विकेट संभाल के बैठे हैं, उसी की जरूरत है भाई, रनों की मेरे को कुछ खास जरूरत है नहीं चंदा भाई से, लेकिन बस ये है कि विकेट संभाल लो, अभी संभाल लो पहले, तो सामने की तरफ गैप है उधर भी हम फिक्स शॉट मारने को जा सकते हैं या फिर मिड विकेट रीजन में भी जा सकते हैं। हाँ देखो मिड विकेट रीजन में रन कम थे तो उधर रन बनाने का भी प्रयास तो करना ही है भाई। अरे ये चौका था नहीं, ये फील्डर ने दे दिया भाई साहब, ये इतना देखो शॉट मानता हूँ मैं, दिखने में बहुत ज्यादा शॉट मारा था हमने, लेकिन भाई ये चौका डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता था, रिप्ले में देख लो, आराम से भाई आराम से रोकी जा सकती थी पर चौका दिया। ओके इन्होंने सामने की तरफ से फील्डर हटाए फॉर सम रीजन, मुझे पता नहीं क्या ही है पर जो भी है भाई, मैं उसका फायदा उठाने को गया एंड इतना कुछ खास फायदा मैं उठा नहीं पाया क्योंकि बहुत बेकार शॉट पर डबल मिल जाएगा भाई। एटलीस्ट विनेबल के लिए मुझे 200 रन की लीड चाहिए, उसके बाद जो भी मिलता है उसको फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा।
ऐसे ये शॉट बहुत अच्छा है पर क्या ये चौका दे पाएगा भाई, मुश्किल चांस है। ओके दे दिया भाई, इस फील्डर को हटा लो भाई, ये टीम द्रोही कर रहा है। देखो मैं नहीं जानता वो फील्डर कौन है, पर वो टीम द्रोही जरूर है भाई। उसने दूसरा चौका मेरा बचाया है, वो दोनों चौके रोक सकता था पर एक बार भी नहीं रोका। सेकंड लास्ट बॉल है ओवर की, तो एक बॉल पे मैं मारने जाऊंगा, दूसरी बॉल पे सिंगल लेने। जिस बॉल पे मारने गए उस पे तगड़ा मारा है आराम से, वेल छक्का ही हो गया क्या ये, छक्का हो गया क्या, ना यार चौका ये ऑलमोस्ट छक्का था। अब तो लिटरली भाई हर दिशा में इसने बोल रखा है, कहां जहां सिंगल लेना था तो ले लो भाई, तो लेने को जाएंगे आराम से, कोई रोकने वाला नहीं है ये सिंगल। नायडू भाई आए इनकी टीम के बेस्ट बॉलर, क्योंकि देखो इकोनॉमी भी सबसे अच्छी इन्हीं की है, बाकी वो तो मैंने धोया है बहुत गंदा, इन्हें अब तक अच्छा से धो नहीं पाए हैं। लेकिन भाई इनका भी इस ओवर में स्वागत चौके के साथ हुआ है, क्योंकि तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इधर एक लॉफ्टेड खेल लेते हैं भाई कवर्स रीजन में, एक अच्छा भाई चौका वोका कुछ हमें मिल सकता है। बोल ही रहा था भाई मैं, मिल सकता है आराम से मिलेगा ये चौका, तक्के बहुत कम मारे हमने भाई, मेनली चौके मारे, लेकिन भाई कुछ भी करो चौके से भी खूब रन आए। दीवान भाई आए भाई, दीवान भाई को मैंने लिटरली डरा दिया था इसलिए नहीं आ रहे थे वो, एंड वो डराना कंटिन्यू रखेंगे भाई, चौका मारा है दूसरी बॉल पे ही। वेल इस चौके के साथ 100 रन पार्टनरशिप भी हुई है हमारी चंदा भाई के साथ, बहुत अच्छी चलती हुई पार्टनरशिप, एंड उस पार्टनरशिप को और बढ़िया बनाएंगे इस चिप शॉट के साथ, सामने की तरफ खेल के बढ़िया चौका बटोरा, 300 बना दिए भाई। कोई उम्मीद नहीं थी टीम के पास 300 बनाने की, हमें लिटरली 306 में से 234 तो मैंने ही बनाया भाई। दीवान भाई को बिल्कुल नहीं बख्शने वाला हूँ भाई, दीवान भाई तो हर बॉल पे बिटेंगे। वैसे देखा जाए तो मैंने इतना तेज भी नहीं खेला भाई, नॉर्मली कई लोग मारे हैं स्पीड से सेंचुरी, आई मीन डबल सेंचुरी भी देखा जाए तो टेस्ट मैच में, तो हमारा तो ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ही तेज है भाई, रियल लाइफ में ऐसा नहीं खेलते, खेलते हैं कई लोग। ओके तो दीवान भाई पे भरोसा दिखाया कैप्टन ने, हाँ कि चलो भाई तुम पे भरोसा हमको, तुम ही प्रांजल का विकेट निकाल के दोगे, ऐसा है क्या कैप्टन भाई, क्योंकि ऐसा सीन मुझे लगता नहीं। अबे यार ये गलती कर दी भाई, सिंगल ले लिया, सिंगल गलत टाइम पे लिया। लास्ट बॉल ओवर की, इस पे सिंगल ले, चलो यार इस पे मारने जाने वाला हूँ, चंदा भाई को संभालने दो भाई, एक ओवर चंदा भाई संभाल लेंगे विश्वास है, एंड हम बढ़िया मारने जाएंगे आराम से, चौका मिलेगा यार, छक्का छक्का नहीं पड़ रहा है आज, क्या चक्कर है। तो भाई चंदा भाई पे हमने जो भरोसा दिखाया वो बढ़िया ही रहा, क्योंकि वो पूरा ओवर भी खेल गए, उन्होंने 6 रन भी बनाए, तो उनका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा ही होगा भाई, बढ़िया चीज है बहुत। पर यहाँ पे एक पुल शॉट जो कि इतना अच्छा टाइम हो नहीं पाया, सिंगल ही मिल पाएगा, डबल ना मिल पाएगा, चंदा भाई और संभालो। 60 गेंदों में 18, मुझे कोई दिक्कत नहीं है चंदा भाई, कितना भी धीरे खेल लो, मेरे को बस भाई बैटिंग में साथ रहने वाला चाहिए कोई, जो आउट ना हो बस इतना चाहिए, बाकी रन तो अपन बना देते हैं, मुझे लगता नहीं इसका चौका मिलने वाला है, हाँ नहीं मिलेगा, डबल मिल जाएगा। सेकंड लास्ट बॉल है ओवर की, एंड सेकंड लास्ट बॉल है इसलिए इन्होंने फील्ड पे भाई वापस से अग्रेसिव कर लिया, लेकिन मैं शॉर्ट कवर के फील्डर के ऊपर से मारने वाला हूँ, चौका बटोरने वाला हूँ, छक्का चाहता हूँ मैं, एक भी छक्का नहीं मिल रहा, वो मैं नोटिस नहीं करा भाई। 168 पॉइंट्स में 253 रन, 250 रन भाई, 44 चौके मारे हैं, डैम यार। ओके तो चंदा भाई भी 23 पे पहुंच चुके हैं भाई, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं अकेला कितने ही रन बना लेता भाई, अगर दो लोग रहते रन बनाने वाले तो ही टीम जीत सकती है भाई, एक से नहीं जीत पाती टीम, वेल आउट होता होता बचा मैं, पर जो भी है भाई वैसे बहुत मुश्किल होने वाला है, पर क्या भाई हमारी राजस्थान के लिए पहली डबल सेंचुरी और पहली ट्रिपल सेंचुरी सेम ही मैच में आने वाली है, वेल कुछ कह नहीं सकते, बहुत अच्छा शॉट है यहाँ पे, पर ये भी छक्का नहीं हुआ, ये भी चौका ही। 257 पे पहुंच चुके हैं भाई, ट्रिपल सेंचुरी की उम्मीदें हैं, पर हाँ कहना पड़ेगा कि अभी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो बहुत रन बचे हैं, लेकिन जिस स्पीड से हम रन बना रहे हैं वो ज्यादा देर लगेगी नहीं भाई, क्या छक्का है यहाँ पे, वेल फाइनली भाई आज के दिन का पहला छक्का भी मारा, एंड ये शॉट जैसा कि देखते हो हर चिप शॉट की तरह बहुत शानदार दिखने में। भाई साहब मोदी भाई की हालत खराब कर दी, एक चौका उसके बाद अगली ही बॉल पे छक्का मोदी भाई दुविधा में, एंड उसके बाद सामने की तरफ फिर मारेंगे क्लास के साथ ऐसा शॉट जो जाए चौके के लिए। इस शॉट में तो लिटरली क्लास थी भाई, देखो कितना दिखने में बिल्कुल क्लास ही शॉट, बिल्कुल तीर शर्मा जाए ऐसी स्ट्रेट ड्राइव। तो सेकंड लास्ट बॉल में मेरे को स्ट्राइक दी है चंदा भाई ने, चंदा भाई इतनी लेट क्यों दिया यार, क्या सोच के दिया है। चलो जो भी, हम यहाँ पे नॉर्मल एक ग्लैंस खेल लेंगे, डबल ले लेंगे इस पे, फिर अगली बॉल पे सिंगल ले देंगे। इसी के साथ भाई हमारी 150 रन पार्टनरशिप हो चुकी है चंदा भाई के साथ, बहुत ज्यादा तगड़ी पार्टनरशिप चलती हुई। अरे यार ये सिंगल लेना भूल जाता हूँ मैं। तो नायडू भाई को वापस लाया गया, यही भाई यही इनके पास सबसे बढ़िया चांस है विकेट लेने का, पर अभी तो इनका भी कुछ खास टाइम चल नहीं रहा है भाई। यहाँ पे नॉर्मल एक लॉफ्टेड शॉट खेला, बहुत बढ़िया छक्का गया ये, बहुत बढ़िया भाई। पहले इस दिन में छक्के लग ही नहीं रहे थे, लगना शुरू हुए तब लगातार दो छक्के, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मारता ना दूसरा, उस सेंस में। वेल यहाँ पे छक्का नहीं लगेगा, पर चौका ये भी है भाई, ये डबल आइडियल शॉट था। काउंटर अटैक करना सीखो भाई, वो नायडू इनका बेस्ट प्लेयर है, उसको पहली बॉल पे छक्का मारा, दूसरी बॉल पे चौका मारा, ऐसे होता है काउंटर अटैक, बहुत बढ़िया काउंटर अटैक ना चलता हुआ कंटिन्यू रहेगा, क्या चौका हो पाएगा इस बॉल पे, वेल क्यों नहीं होगा भाई, हो जाएगा। नायडू भाई की भयंकर पिटाई कर दी भाई, छक्का चौका चौका, शुरू की 3 बॉल पे पूरा भाई डरा के रख दिया उनको,
एंड चलो एक बार तो उन्होंने भी बीट कराई फिर हमें भी। सेकंड लास्ट बॉल है ओवर की, उन्हें लग रहा है कि मैं सिंगल के लिए जाने वाला हूँ, पर मेरा इरादा कुछ और है भाई, मैं कवर्स की दिशा में उठाने को जाने वाला हूँ, जो कि बढ़िया फैसला रहा क्योंकि मिलेगा एक और चौका। रिप्ले देख सकते हो क्योंकि मैं नॉर्मली ये वाला जो शॉट है ये दो तीन बार खेल चुका हूँ, पर इसका रिप्ले दिखाया नहीं मैंने। भाई साहब नायडू भाई का खौफ आ गया पता नहीं क्यों, तो लास्ट बॉल पे लगातार दो बॉल वाइड डाल दिया, जबकि मैं तो जा भी सिंगल के ले रहा हूँ इस बॉल पे भाई, लिटरली पता नहीं क्यों डरा रहा है। अब है यार बीट हो गए, सिंगल ना मिल पाया, प्लीज यार चंदा भाई ऐसे ही संभाल के रखो विकेट को। चलो भाई चंदा भाई को रिस्क लेने का ही नहीं है, पहली बॉल पे ही ओवर के अपने को सिंगल दे दिया कि भाई आप ही संभालो, मेरे बस की बात ना है। चलो अच्छी बात भी है जो कि पर यहाँ पे सामने उठाने गया, इतना कुछ अच्छी टाइमिंग वगैरह हुई नहीं है, पर फिर भी डबल मिल जाएगा भाई, 235 रनों की लीड हो गई है। 250 रनों की लीड के बाद तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाएगा, अगर 250 रनों की लीड हम दे पाते तो, पर कोशिश तो यही करेंगे दे पाए। क्या शॉट खेला भाई साहब, बहुत अच्छा शॉट है, इस शॉट का चौका नहीं मिल पाया, पर मैं तुमको रिप्ले दिखाऊंगा भाई, बहुत अच्छा शॉट है दिखने में, देख लो भाई, चौका वोका तो लगा नहीं पर शॉट दिखने में बहुत अच्छा था, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इसको क्लास कहते हैं बैट्समैन की भाई, कि मतलब तुम इतने अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो कि बस तुम्हें बैट का हल्का सा मूव बोर्डना होता है डबल्स के लिए। ये देखो बिल्कुल ऐसे इसको स्लो मोशन में देखते हैं, देखो बस बैट सीधा घुमाया, हल्का सा मुंह मोड़ा उसका, ऐसे हल्का सा टेढ़ा करा एंड इजी सिंगल डबल। सोच रहा हूँ सामने की तरफ लॉफ्टेड खेलने को, पिछली बार इतना अच्छा लगा नहीं था, क्या आपकी बार इतना अच्छा लग पाएगा? वेल ज्यादा अच्छा तो आपकी बार भी नहीं लगा, पर आपकी बार चौके के चांसेस एंड मिल भी जाएगा। नायडू भाई की बहुत अच्छी बॉलिंग चलती हुई भाई, लगातार तीन बार बीट कराया मुझको, तीन बॉल डॉट डाल दी मेरे सामने, अचीवमेंट ही कहूंगा मैं इसे एटलीस्ट इस मैच में, क्योंकि इस मैच में कोई डॉट ज्यादा डाल नहीं पा रहा, जैसे कि नायडू भाई नहीं डाल पाए चौथी बॉल पे चौका, एंड इस चौके के साथ ट्रिपल सेंचुरी राजस्थान के लिए भाई, 51 चौके और 5 छक्के। डैम दीवान भाई एंड इन्हें चिप शॉट क्या बोल रहा हूं, कट शॉट खेलने को देखूंगा, कट शॉट ये बहुत फाइन है, बहुत अच्छा चौका देके जाएगा। मैं सोच रहा हूं जहां पे हम कट मारते हैं उस जगह पे ही चिप शॉट मार दोगे तो क्या लगेगा, ये क्या शॉट लगा है भाई, तुमको एक बार सेटिंग डिफिकल्टी दिखा दूं मैं, डिफिकल्टी अपनी नॉर्मली है, टेस्ट रियलिस्टिक एंड फिजिक्स रियलिस्टिक, पर ये शॉट क्या लगा है भाई, ये शॉट बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं था। इसका रिप्ले देखो भाई, क्या शॉट है ये, इसका मुझे रिप्ले तुम्हें जाके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे समझ ही नहीं आना, लिटरली मैं मुझे जीरो उम्मीद थी कि इस पे छक्का लगने वाला, चौके के लिए मैं तैयार था, पर छक्के की मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी, एंड ऐसा शॉट तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था भाई, ये बिल्कुल जो भी थोड़ी सी देर पहले मैंने डबल लिया था ना एक बॉल पे, उसका रिप्ले है भाई, ये लिटरली उसका रिप्ले है, लेकिन अब की बार एरियल गए, अब की बार बटोरा ये बहुत ही बढ़िया लंबा छक्का स्टैंड्स में गई बॉल, तो फिर मैं बहुत ज्यादा फाइन खेलूं तो क्या होगा भाई, देखते हैं। वेल वही होगा भाई, एंड यहाँ पे तो छक्के मिलते हैं, डैम भाई ये तो हमने नई चीज डिस्कवर कर ली क्या, यहाँ पे छक्के बहुत आराम से मिलते हैं। Well, इसी के साथ कौन सी कितने रन की हो गई, 250 रन की हो गई, मुझे नहीं पता कितनी पार्टनरशिप है, अभी टैब में जाके देखते हैं, उन तो पार्टनरशिप टैब में आ गए हैं 199, शायद वो छक्का नहीं गिना तो उस हिसाब से अपनी 200 रन की पार्टनरशिप हो गई भाई, डैम क्या चल रहा है भाई, ये तो लगातार दो बॉल पे दो छक्के मार दिए ऐसे शॉट के साथ जो मैंने अभी ही डिस्कवर करा है। Well, हाँ, इस शॉट की उम्मीद कर रहा था मैं, चिप शॉट पे ये चौका मिला है, इसी शॉट में पहले भी उम्मीद कर रहा था, पर वो पता नहीं क्या लगातार दो छक्के मारे भाई, अभी तो हमारी ट्रिपल सेंचुरी हुई थी एंड हम 321 पे भी पहुंच चुके हैं भाई साहब, बहुत जल्दी है, गाड़ी चलती हुई दौड़ती हुई, कैच का कॉल है एंड कैच छोड़ दिया भाई, लिटरली इतनी बड़ी इनिंग्स चल रही है मेरी एंड इसने मेरा कैच छोड़ दिया, गालियां पड़ेगी इसे। वैसे इंटरनेशनल मैच नहीं है तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाता भाई 400 रन के ऊपर, पर इंटरनेशनल मैच तो है नहीं, ये कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे लॉफ्टेड खेला सामने की तरफ, इतना अच्छा नहीं लग पाया डबल मिलेगा, कहां मैं भाई सोच रहा था कि 200 रन की लीड दिला पाऊंगा नहीं दिला पाऊंगा टीम को, एंड कहां अब हम खड़े 278 रन की लीड पे भाई, अलग लेवल का सीन चलता हुआ, यहाँ पे अलग लेवल का शॉट देखने को मिला चौका। पर भाई आज भी मैंने तुमको बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स दिखा दिए, तो भाई शॉट ऑफ द डे कमेंट करना मत भूलना भाई, वो तुम कमेंट करना भूल जाते हो ना मुझे बुरा लगता है, देखो यहाँ पे एक चौका मारा इसे भी बुरा लगता है अगर भूलोगे तो। नायक भाई आए सामने, उन्हें चौके छक्के का प्रयास रहने वाला है, मिड विकेट रीजन में हम मारने को जाने वाले हैं, पर इतना अच्छा देखने में लगा नहीं पर ये चौका होगा भाई, दो फील्डर के बीच में से गैप निकाल के बहुत शानदार शॉट दिखने में देख सकते हो भाई, दिखने में इतना मुझे तब शानदार लग नहीं रहा था पर बाद में होल्ड बहुत अच्छा था। अभी तो रेड्डी भाई है, रेड्डी भाई क्या पिटने के लिए रेडी हो, बताओ जवाब दीजिए, क्या रेडी है आप पिटने के लिए? वेल हो या ना हो मैं पीटने के लिए रेडी हूँ, मैं ये चौका मारने के लिए रेडी हूँ, एंड इस चौके के साथ मैं अपनी 350 सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हूँ, 58 चौके और 7 छक्के भाई, ये चौकों का तो मेरे हिसाब से कोई रिकॉर्ड बन गया होगा, 58 चौके कौन मारता है भाई। वेल चलो जो भी है सामने की तरफ ही खेलने की सोच रहा हूँ मैं, एंड खेल लिया, ये तो तीर शर्मा था ऐसा शॉट है, ये चौके लायक शॉट है भाई साहब। रेड्डी भाई आए एंड रेड्डी भाई को दो दिया, शुरू में दो बॉल डाली दोनों बॉल पे चौका, एंड ये कैसे बच गया मैं,
डैम भाई ऐ झटके सीधा विकेटों में बॉल जा रही थी लेकिन जैसे जैसे बच गए। मैं सोच रहा हूँ मुश्किल रहने वाला है पर रिस्क है तो इश्क है भाई, रिस्क है, रिस्क लिया चौके के लिए जाएगी या नहीं, बल क्यों नहीं भाई जाएगी। वैगन बिल देख लो भाई 350 के बाद कुछ ज्यादा ही भर गया है, तो अब तो मेरे हिसाब से बस थोड़ा सा एरिया ये मिड विकेट के रीजन में छूटा है, बाकी कहीं एरिया नहीं छूटा हुआ। अब तो चंदा भाई पे इतना विश्वास हो गया है कि ओवर की पहली बॉल पे सिंगल देने को तैयार हूं मैं उन्हें, लास्ट बॉल ओवर की इस पे सिंगल के लिए जा ही नहीं रहा हूं भाई, मैं इस पे लॉफ्टेड खेलने के लिए जाऊंगा, लॉफ्टेड खेलने के लिए गए, बढ़िया चौका मारा, बस उम्मीद है चंदा भाई से कि ओवर संभाल ले वो पूरा। चंदा भाई भी थोड़ा फॉर्म में आते हुए भाई 35 रन पे पहुंच चुके हैं, क्या 50 होगी उनकी, बल उनकी 50 से पहले ये चौका। क्या ब्रायन लारा जी को हम हाई बोल के आने वाले हैं भाई, 370 पे तो पहुंच चुका हूं मैं, 400 तक जाना है हाई बोलने के लिए एंड बच गया मैं लिटरली। सामने की तरफ लॉफ्टेड खेलने को देखा जाए क्या भाई, बल देखा है ये इतना अच्छा लगा नहीं था, लेकिन फिर भी चौके के लिए जाती हुई बॉल नहीं रोक पाए फील्डर, एक और चौका। 376 पे पहुंच गए भाई। अच्छा वैसे मैं ये चीज भूल गया था कि कैप्टन मैं हूँ तो डिक्लेयर मेरे को ही करना होता है, लेकिन इतनी कोई डिक्लेयर करने की जल्दी है नहीं क्योंकि थर्ड डे ही अभी तो, एंड मुझे लगता नहीं उनको दो दिन खिलाने का कोई मतलब है भाई, दो दिन नहीं खेल पाएंगे वो, उनको तो एक दिन में आउट कर देंगे। 377 डैमेट, ओके ये क्या है, ये एनिमेशन बहुत अजीब है पर जो भी है भाई, नई बॉल ले रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे, हमें केवल एक चीज से फर्क पड़ता है कि हम खेल पाए चिप शॉट ले पाए उसका चौका। इस मैच में तुम्हें बहुत स्पैमिंग देखने को मिली होगी पर सॉरी यार, देखो वही चॉइस थी हमारे पास क्योंकि टीम बहुत ही मुश्किल कंडीशन में थी, उसको वहां से बचा के लाए एंड आउट होते होते कई बार बचे हैं। ओह डैम पार्टनरशिप एंड हुई हमारी भाई, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप चली हमारी, 282 रन्स की पार्टनरशिप चंदा भाई के साथ जिसमें 42 रन्स बनाए चंदा भाई ने, 237 हमने बनाए भाई, बहुत अच्छी पार्टनरशिप। लेकिन अब इस चीज का खास ध्यान रखना है कि भाई खुद के पास स्ट्राइक मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो आउट हो जाएगा सामने वाला, कोई फायदा ही नहीं रहने वाला है। ओके भाई अब यहाँ पे हमारा टारगेट है कि इस ओवर में मेरे 400 कंप्लीट हो जाए, 386 पे खेल रहा हूँ मैं, 400 तो हो ही सकता है यार इस ओवर में, हाँ इतनी बड़ी चीज नहीं है एंड ऐसे शॉट्स खेलेंगे तो जरूर बनेंगे भाई, चौके का चांस यहाँ पे पूरा चांस मिल भी जाएगा। जब से मैंने 350 बनाया उसके बाद से थोड़ी मिस ज्यादा हो रही है मेरे से भाई, पता नहीं क्या सीन है ये, पर चलो जो भी है भाई मिस ज्यादा हो रही है यार। चलो भाई यहाँ पे मिस ना हुई भाई, यहाँ पे बहुत प्यारा शॉट है, ये चौका देके जाएगा। अच्छा वैसे चंदा भाई का विकेट भी नायडू नहीं लिया भाई, 4 विकेट ले चुका है वो, क्या पता इसका 5 विकेट हॉल भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। वेल लास्ट बॉल पे सिंगल लेने में सक्सेसफुल रहे, 399 पे खेल रहे हैं भाई, 399 पे मारेंगे ये चिप शॉट, जाएगा चौके की तरफ, कवर ड्राइव, लॉफ्टेड कवर ड्राइव मान लो, एंड इस चौके के साथ 260 गेंदों में 403, 67 चौके एंड 7 छक्के। तो अब मैं सोच रहा भाई ये ओवर की तीनों बॉल खेलने वाला है, इसके बाद मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ, वही करेंगे हम, दो बॉल और बची एंड उसके बाद डिक्लेयर होने वाला, क्या पता भाई और खेले तो 500 तक भी पहुंच जाए, पर नहीं भाई अब ज्यादा भी नहीं खेलना, इतना खेल चुके हैं बढ़िया, डिक्लेयर करने को जाएंगे, यहाँ पे ऊंचा खेलना पड़ेगा, क्या डिक्लेयर की जरूरत ही ना पड़ेगी ना, मुझे लग रहा था कैच आउट हो जाएगा भाई, डिक्लेयर की जरूरत ना पड़े, पर यह चौका मिला है। चलो भाई लास्ट बॉल है ये ओवर की, इस पे क्या होने वाला है, 3 चौके आ चुके हैं इस ओवर से, 3 चौके और 2 डबल, लास्ट बॉल ओवर की, लास्ट बॉल डॉट ही गई है, तो इस डॉट के साथ ये इनिंग्स को समाप्त करेंगे भाई, क्या ही इनिंग्स की है। वैगन विल एक्सप्लोर फॉर वन लास्ट टाइम क्योंकि इसके बाद हम इनिंग्स खत्म कर रहे हैं ये। ओके तो भाई 21 ओवर के बाद 70 पे 2 स्कोर है, नागर भाई खेल रहे हैं 44 गेंदों में 19 बना रखे, 376 का टारगेट है, अच्छा खासा टारगेट दिया है, वैसे तो विकेट लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बिना विकेट लिए भी अगर ये मैच हम हार भी जाते हैं तो भी मैं ही मैन ऑफ द मैच हूँ। ये नागर भाई की वीक के स्किल जो ड्राइव है, तो ड्राइव कराने का प्रयास रहने वाला है, इंसेंट मिस करी यहाँ पे विकेट का चांस था, ड्राइव ही कराने को जाएंगे बॉल क्योंकि लास्ट बॉल पे तो आउट होते होते रह ही गई है, जड़ता रह गया। वेल यहाँ पे ड्राइव अच्छी है, ये ड्राइव बहुत अच्छी है, पर सामने भी फील्डर लगा रखा है, हमने सिंगल ही मिलेगा एंड सिंगल के डबल के लिए जा रहे ना चांस, इतना गंदा थ्रो कर सिंगल डिलीवरी के लिए जाने वाले, नॉर्मल स्पीड से वो आएगी एंड यहाँ पे उठा के मारने को गया, ये बहुत अच्छा मारने को गया, पर इस पे चौका मिलेगा या नहीं, वेल क्यों नहीं मिलेगा, एक स्टैंडर्ड यॉर्कर के साथ जाने वाले, वेल पहला ओवर थोड़ा एक्सपेंसिव, 6 रन दे चुका हूँ मैं, लास्ट बॉल ओवर की एंड व्हाट अ बॉल भाई, ये बॉल तो क्या ही, व्हाट अ ब्यूटी भाई, बहुत बढ़िया यॉर्कर, जड़ों में यॉर्कर बिल्कुल एंड बैट्समैन ना खेल पाए भाई, टंडे उड़ा दिए। रीप्ले देख सकते हो भाई, वैसे तो एक इनिंग्स में 4 रन मार चुके हैं पर फिर भाई इस इनिंग्स की शुरुआत में जो पहला ओवर डाला उसमें भी विकेट मिला, लास्ट टाइम जैसे यॉर्कर पे बोल्ड हुआ था वैसे एक और डालने का प्रयास करेंगे, पिछली बार फास्ट थी अब की बार स्लो रहेगी एंड अब की बार भी बोल्ड तो नहीं पर भाई बहुत अच्छा बीट करा, ये ओवर बढ़िया भाई, मेड इन जाता हुआ, लास्ट बॉल बची ओवर की, क्या मेड इन ओवर समाप्त कर पाएंगे हम, वेल क्यों नहीं भाई, बहुत अच्छा डिफेंस लास्ट बॉल पे, यॉर्कर रिकॉर्ड डालने वाला हूँ क्योंकि भाई यॉर्कर पे सफलता मिली तो बार बार वही डालने का मन करता है, बार बार ऐसे बीट भी कर रहा हूँ मैं यॉर्कर पे। शेल्टन भाई खेल रहे लगा, ये जम्मू कश्मीर में कौन से शेल्टन होने लगे, अब जो भी है भाई अब तो आदत हो गई है नामों की, एज लगवाया पर कोई फायदा नहीं।
बल यॉर्कर पे एज तो लगा, पर भाई यॉर्कर के जो एजेस लगते हैं उनका कुछ खास फायदा होता नहीं है, तुम जानते ही हो। लेकिन भाई यॉर्कर पे जो LBW होते हैं उनका फायदा होता है, दूसरा विकेट मिला हमें यहाँ पे। भाई साहब बैटिंग में तो कमाल कर रहा ही था, बॉलिंग में जादू चलता हुआ, 4 ओवर में 8 रन दिए, 2 विकेट ले लिया भाई साहब, तीसरा मिलता रह गया। चलो भाई ये लास्ट बॉल ओवर की, अब मैं अगला ओवर खुद का तभी लाने वाला हूँ जब लास्ट विकेट बचेगा सामने वाली टीम का, ठीक है। बल चलो जो भी यहाँ पे लास्ट बॉल के साथ सिंगल दिया। चलो भाई जैसा कि मैंने बोला था जब लास्ट विकेट बचेगा तब लाएंगे खुद को, एंड लास्ट विकेट कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गया भाई, मतलब लास्ट विकेट बचा है तब वो सिचुएशन ज्यादा ही जल्दी आ गई, 172 पे आ गई, 376 का टारगेट है। मुझे लगता नहीं ये विकेट मुझे मिलने वाला, पर जो भी अगर मिलता है तो 3 विकेट हॉल में हो जाएगा भाई, 400 रन एंड 3 विकेट हॉल दोनों एक ही मैच में, मजाक हो रहा है क्या। चलो जो भी है 400 रन और 2 विकेट एक ही मैच में भी मजाक हो रहा है, पर जो भी है भाई यहाँ पे ड्राइव अग्रेसिव जा रहे हो भाई, जीतने को चांस तो है नहीं, तो ये भी कर लो, नायक भाई विकेट दे दो यार, जीतना तो है नहीं, बढ़िया 3 विकेट हॉल ही हो जाएगा मेरा। ओके यहाँ पे अच्छी ड्राइव है, यहाँ पे वेल सिंगल मिलना नहीं चाहिए था, थोड़ा आलस कर दिया इसलिए मिल गया सिंगल। 2 बॉल बची है ओवर की, दोनों ही हम यॉर्कर के साथ जाने वाले हैं, देखते हैं भाई। ओके पहली यॉर्कर एंड बच गया भाई, यह चढ़ा था इसका लेकिन कोई फायदा ना हो पाया इसका। ओके तो भाई लास्ट विकेट हमारे साथ वाले ने लिया एंड राजस्थान जीत गया मैच 191 रन के साथ भाई, बहुत बड़ी विक्ट्री है। बल चलो जो भी है बढ़िया ही है, प्लेयर ऑफ द मैच शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं किसको मिला है, क्योंकि भाई ये तो बहुत ऑब्वियस था। वेल स्कोर कार्ड तुम्हारे सामने भाई देख सकते हो, बढ़िया, हमने पहली इनिंग्स में कुछ खास करा नहीं था, शायद 50 मारी थी, 50 भी नहीं मारी जहाँ तक मुझे याद है, पर जो भी है हमने दूसरी इनिंग्स में कमाल कर दिया, 411 नॉट आउट बनाए एंड फिर भाई उसके बाद आके 2 विकेट भी चटका दिए। बट चलो जो भी आप तुम्हें सब दिखा देता हूँ जो मैंने बोला था सिलेक्शन स्टेटस वगैरह। ओके तो सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटस देख लो भाई, इंडिया के लिए खेलने का नो चांस, मार्च जो भी मार्च कोई शील्ड है इसमें एक्सपेक्टिंग सिलेक्शन है, लेकिन मैं केवल इंडियन प्रीमियर लीग खेलने वाला हूँ और कोई लीग नहीं खेलेंगे, क्योंकि वही रियलिस्टिक होता है भाई, BBL में भी कोई चांस नहीं है। इंग्लैंड काउंटी कप में हमें कंसिडर किया जा रहा है, इंग्लैंड T20 स्लैम में भी मुझे कंसिडर किया जा रहा है, 100 T20 लीग और CPL में कोई चांस नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग में हमें कंसिडर किया जा रहा है, इसका तो मैं कैप्टन यूज हो गया। जिम्बाब्वे टूर ऑफ इंडिया टेस्ट सीरीज लॉन्ग वे ऑफ, यानी अब थोड़े टाइम बाद हम इंडिया से भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं, बाकी कोई चांस नहीं है। इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड में भी और इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड दोनों टेस्ट और ODI उसमें भी हमारे चांस हैं भाई खेलने के। बांग्लादेश सुपर लीग में सिलेक्शन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ओके एंड और कोई तो चलो है नहीं, इसमें सुपर स्मैश में हमें कंसीडर किया जाता है। अब मैं एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ जो भी टूर्नामेंट चल रहा है उसका। ओके भाई ओवरव्यू देख सकते हो, मैं बैटिंग में 2nd नंबर पे हूँ भाई, एंड जो मेरे ऊपर है आई कुमार, जो भी है ये IKUMAR होती है स्पेलिंग कुमार की, पर जो भी है उसके 869 रन है, मेरे 868 रन है भाई। प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी वही सेम सीन चलता हुआ, वो नंबर 1 पे है, मैं नंबर 2 पे हूँ। टॉप स्कोर मेरा ये 411 रनों का, सबसे ज्यादा छक्के भी मेरे मारे 14 छक्के, एंड अब वो भी दिखाता हूँ तुम्हें स्टैटिस्टिक्स। ओके तो भाई करियर स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे सामने है, फर्स्ट क्लास में हमारा हाईएस्ट स्कोर 411 का, बस स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा है पर चलो कोई बात नहीं। लिस्ट में हमारा 87 का स्ट्राइक रेट, 174 बॉल्स के लिए 30 का एवरेज, 99 उसमें हाईएस्ट स्कोर है, एंड अदर्स ये जो भी है इसमें 217 हाईएस्ट स्कोर मेरा 55 के एवरेज के साथ। फर्स्ट क्लास मेरा गजब करियर चल रहा है, 124 का एवरेज। चलो जो भी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, होप करता हूं तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद आना ही चाहिए भाई, 400 मारे आज मैंने तो जो भी भाई, अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।